नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि UPTU UPSEE काउंसलिंग 2020 का जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लिया था तो अब यहां पर आपको पता लग चुका होगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिली है या आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आप जो भी सीट मिली है उसको फ्रीज कर सकते हैं और दूसरा आप फ्लोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को डाउट भी हो रहा है कि उनको फ्रीज करना चाहिए या उनको फ्लोट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको फ्रीज करने में फायदा है या आपको फ्लोट करने में फायदा है। ये आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आसानी से समझ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम इस समय UPSEE की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट राउंड का पूरा शेड्यूल है वो आपको दिखाई देगा। इसके नीचे देखिए, आपका फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आ चुका है और आप में से सभी लोगों ने देख भी लिया होगा। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपको ऑनलाइन विलिंगनेस है यानी कि फ्रीज या फ्लोट है, ये आपको 29 अक्टूबर तक सबमिट करनी है। यानी कि 29 अक्टूबर तक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप फ्रीज कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। और 29 अक्टूबर तक ही आपको जो आपकी फीस रहेगी, जो कि जनरल और OBC के लिए 20,000 रुपये है और SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 12,000 रुपये है, उसका भी पेमेंट आपको 29 तारीख तक किसी भी हाल में कर देना है, अन्यथा आप काउंसलिंग से आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर आज फ्रीज और फ्लोट से जुड़े सारे डाउट क्लियर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस समय हमारे पास UPTU के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल PDF आ चुका है और इसी की मदद से मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। बस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और UPTU से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से ही बेल दबा लें, ताकि जब भी आपका एडमिशन हो हम सबसे पहले आपके लिए अपडेट्स ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प यानी कि जो भी अपने चॉइस फिलिंग की थी उसके आधार पर आपको ऑनलाइन जो है वो सीट आवंटित की जाएगी, जो कि आपको हो चुकी है। अब जो सीट आवंटन का रिजल्ट है वो भी आपका आ चुका है, ये वेबसाइट पर आपका जो है लगा भी दिया गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब आपको 20,000 रुपये की फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 20,000 रुपये आपको जनरल और OBC के कैंडिडेट को पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो आपको पेमेंट करना ही है, चाहे आप फ्लोट करें चाहे फ्रीज करें, यानी कि 20,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, इसके बाद ही आप फ्रीज अपलोड कर पाएंगे। और 12,000 रुपये हमारे SC ST के कैंडिडेट्स को देने पड़ेंगे, ये आपको देने ही पड़ेंगे चाहे आप फ्रीज करें चाहे आप फ्लोट करें। यानी कि इसको हम कहेंगे सीट कन्फर्मेशन फीस, यानी कि सीट को कन्फर्म करना है आपको, फ्लोट कीजिए चाहे फ्रीज कीजिए, आपको ये देना ही पड़ेगा। अब ऑनलाइन आपको जो है फ्रीज और फ्लोट का विकल्प है वो भी आपके सामने शो हो रहा है। अब इसमें आपको सामने दो विकल्प हैं, जैसा कि आपको पहले भी पता है, फ्रीज और फ्लोट। तो फ्रीज का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो अभ्यर्थी अपनी सीट से संतुष्ट हैं वही लोग फ्रीज करेंगे। यानी कि अगर आपको लगता है कि यही सीट आपको मिल गई, आपके लिए बहुत ही अच्छी है, तो आप यहाँ पर फ्रीज कर देंगे और अब इसके बाद अब आगे कोई भी बदलाव अपनी सीट में नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपकी जो सीट की कैटेगरी है उसमें चेंज हो सकता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फ्लोट वो है, जो भी अभ्यर्थी अपनी जो सीट उनको मिली है, कॉलेज मिला है, जो ब्रांच उनको मिला है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि हम आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और सीट हमारी जो है अपग्रेड हो जाए या चेंज हो जाए, तो वो लोग फ्लोट कर सकते हैं। तो दो विकल्प आपके सामने हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनरल और OBC के कैंडिडेट को 20,000 रुपये और SC ST कैंडिडेट को 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, तभी आप फ्रीज या फ्लोट का विकल्प चुन पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह भी है कि अगर आप पेमेंट जो है ये नहीं करते हैं किसी कारणवश, तो क्या होगा, आप ऑटो फ्लोट मान लिए जाएंगे। ध्यान से सुनिए, ऑटो फ्लोट आप मान लिए जाएंगे। लेकिन आपको ऑटो फ्लोट नहीं करना है, क्योंकि ऑटो फ्लोट करने के बाद आपकी जो है आगे चल के दिक्कत आपको आ सकती है, इसीलिए आपको फीस को पेमेंट कर देना है, आपको ऑटो फ्लोट नहीं करना है। अब दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मेरी आपसे यही जो है दरख्वास्त रहेगी या रिक्वेस्ट रहेगी या मेरी एडवाइस रहेगी कि आप जो है अगर अपनी ब्रांच से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं तो ही आप जो है फ्रीज का विकल्प चुनिए, वरना आप फ्लोट का विकल्प चुन लीजिए। क्योंकि फ्लोट करने पर जो ब्रांच आपको मिली है वो तो आपको मिलती ही रहेगी, और उसके बाद आपको जो अगर कोई बढ़िया ब्रांच मिली होगी, बढ़िया कॉलेज मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको पुराना वाला कॉलेज है वो वापस मिल जाएगा। तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब भी आप फ्लोट वाला विकल्प चुनते हैं तो फ्लोट करने के बाद आपकी जो भी चॉइस रहती हैं उनमें से अगर आपको ऊपर का कोई कॉलेज मिलता है वही कॉलेज आपको दिया जाता है, वरना अगर आपको आपकी चॉइस के नीचे का कॉलेज मिलता है तो फिर आपको वो पुराना वाला कॉलेज ही दे दिया जाता है। तो ऐसे में मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा आप संतुष्ट हैं तो आप फ्रीज चुन लीजिए, नहीं तो आप फ्लोट का ही विकल्प चुनिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं।